ताउते चक्रवात के बाद अब पूर्वी तट पर एक दूसरे चक्रवात का बड़ा खतरा पूर्वी क्षेत्र के राज्यों पर मंडरा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार चक्रवात यास 26-27 मई को बंगाल की खाड़ी से टकराएगा, जिसका असर पूर्वांचल सहित गोरखपुर में भी देखने को मिल सकता है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाले तूफान के साथ तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है, जिसको देखते हुए आपदा विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, जिससे किसी भी प्रकार के नुकसान पर त्वरित राहत पहुंचाई जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया। यास के प्रेशर की बात की जाए तो ये पूरा का पूरा जो है अभी ये साइक्लोन का ये प्रेशर यहाँ पर बन रहा है वेस्ट बे ऑफ बंगाल और उड़ीसा के इस पूरे तटवर्ती इलाकों पर। ये इसी का ये इम्पैक्ट है, अभी इसका स्टेटस करंट का ये है। या फिर पूर्वांचल में भी सर हीट करेगा? पूर्वांचल में भी ये इसका दबाव जो इसका जो मतलब विंड प्रेशर जो क्रिएट होगा, जो कि इस तटवर्ती इलाकों पे जो कहा जा रहा है कि तकरीबन 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहेगी इसमें, तो उसका ये तकरीबन 25 से 26 की रात में इसको वहाँ पे हीट करेगा, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि उसका एक विंड प्रेशर यहाँ पर बनेगा ज़रूर। देखिए यास तूफान जो कि वेस्ट बे ऑफ बंगाल और उड़ीसा के तटवर्ती इलाकों पर इसका प्रेशर बन रहा है, और जहां तक सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं जो चीज़ें हम लोग के समझ में आ रही है, तकरीबन 25 से 26 की रात में ये वहां पर उसको हिट करेगा। और जो अभी वर्तमान में जो लोग मतलब एक स्पीड की बात की गई है तो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा और चलने की संभावना है। पास्ट में जो चक्रवात जैसे हुदूद चक्रवात आया था और भी जो पास्ट में सीमावर्ती इलाकों में जो ये प्रेशर बने थे उसके अनुभव को अगर हम लोग देखें तो एक अच्छा प्रेशर इस तरफ बनने की उम्मीद है, तो इसलिए भी हम लोग अभी सभी विभागों को एक अलर्ट जारी करने जा रहे हैं, जिससे कि सभी विभाग अलर्ट मोड में रहें और अगर कुछ इस तरह का प्रेशर यहाँ बिल्ड होता है तो सभी लोग डिपार्टमेंट एक साथ मिल करके उसमें जो भी रिस्पॉन्स कार्य करना रहे हम लोग करेंगे।